सारे आलू को एकदम हाथ से दाब देगी एकदम मस्त से। देखिए लग रहा है ना लहर का दाल जैसा इसको आलू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त और खुश होंगे। उन सभी भाई और दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। दोस्तों आज के ब्लॉग्स में हम लोग बनाने वाले हैं छोटे छोटे अलुआ को छाट कर दोस्तों, सिझा कर उसको घोट कर एकदम दाल बनाएंगे। दोस्तों हम लोगों ने दाल तो बहुत खाए लेकिन आलू का दाल बनाकर कोई नहीं खाए होंगे दोस्तों। सो हम लोग ब्लॉग्स में आप लोग को बना के दिखा रहे हैं, आप लोग ब्लॉग्स को फुल वॉच कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए। हम लोग दाल कैसे बनाते हैं छोटे छोटे आलू को, आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए तभी आप लोग को जानकारी मिल पाएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों जो नए होंगे सो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हम लोग को फुल सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। इस तरह का ब्लॉग्स एकदम हम लोग रोज लाते रहते हैं दोस्तों, अच्छी अच्छी टिप्स, तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए। तो सबसे पहले देखिए इधर आलू छाट रहे, बड़े बड़े के अलग कर दे रहे, इधर छोटे छोटे अलग कर दे रहे, बड़ा वाला साइड कर दिए। बड़े बड़े आलू को बोरे में डाल दीजिए और छोटे छोटे को इधर देखिए साइड कर दिए हम लोग। ये आलू हमारे ससुराल से आए हैं दोस्तों, आलू छाट के दोस्तों हम लोग ले आए हैं। अभी इसको एकदम फ्रेश करके धो लेते हैं ताकि धूल मिट्टी ना रह जाए आलू में, नहीं तो कंकड़ जैसा लगेगा खाने में, अच्छा नहीं लगेगा। एकदम अच्छा से इसी तरह इसको देंगे सीजने के लिए, इसका छिलका उनका साफ, जब आलू गल जाएगा ना तो इसका छिलका उसी में मतलब पिचोड़ पिचोड़ कर निकाल देंगे। यार अभी क्या है कि अभी छूट नहीं पाएगा छिलका ना, इसलिए एकदम दो तीन पानी का एकदम फ्रेश करके धो लेंगे हम लोग, उसके बाद ही कुकर में सिझाएंगे और उसके बाद उबल जाने के बाद सीझ जाने के बाद इसका हम लोग दाल बनाएंगे। धोइए एकदम फ्रेश करके एकदम तीन चार। तो देखिए इधर परी की मम्मी धोना स्टार्ट कर दी है आलू को, अच्छा से नहीं धो लेते हैं जो मट्टी है इसका छूट जाए अच्छा से और खाने में ना लगे कंकड़ जैसा मट्टी जैसा। एकदम मस्त और फ्रेश से धो लिए एकदम रगड़ रगड़ के हम लोग दोस्तों। अब इसको कुकर में डाल देंगे, कुकर में डालने के बाद चूल्हे में हम लोग उसको सिझने के लिए डाल देंगे। पानी डालकर इसको और हम चढ़ा देते हैं चूल्हे में इसको सिझने के लिए आलू को। उधर चूल्हा जल के रखल है एकदम, दीदी आज कोयले का चूल्हा जलाए हैं दोस्तों हम लोग, अब इसको सिझने के लिए चढ़ा दिए हैं चूल्हे पे। आलू सीझ कर हुआ तैयार, अब मैं अब उसको कुकर का गैस निकालेंगे और उसको निकाल के देखेंगे सीझा है कि नहीं सीझा है, उसके बाद हम लोग इसका दाल बनाने का स्टार्ट कर देंगे। कुकर से बाहर निकाल दिए आलू को, अब ठंडा पानी इसमें ठंडा पानी में डाल दिए ताकि हाथ से अच्छे से हम लोग निचड़ सके इसको। देखिए अब इसको हम इस तरह करके पिचोड़ पिचोड़ के छिलका को साइड कर देते हैं, जितने छिलके सबको बाहर निकालना पानी में ही ना। हाँ पानी में। अब पानी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा दोस्तों कितना दाल बनाना है आप लोग को, नहीं तो फिर पतला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। सारे आलू को एकदम हाथ से दाब देगी एकदम मस्त से, छिलका अपने आप ऊपर उग जाएगा पानी के ऊपर, उसको साइड कर देंगे हम लोग। छटके छिलका का आलू रह जाएगा नीचे पानी के नीचे और छिलका। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों आलू का दाल कैसा लगा, हम लोग बना रहे हैं इसको देखिए बड़ी मेहनत के साथ। आप लोग वीडियो को फुल सपोर्ट और फुल वॉच कीजिएगा। गांव देहात में हम लोग इसको अस्कर बनाते हैं दोस्तों, एकदम खास करके ज़्यादा बनाते हैं आलू का दाल। देखिए कितना अच्छा गाढ़ा लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट लगता है दोस्तों खाने में, आप लोग एक बार जरूर बना के खाइएगा अगर गांव देहात में आप लोग रहते हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि ये ऐसे सादा कलर का ही रहेगा क्या, ऐसा नहीं रहेगा, इसमें हल्दी भी डाल देंगे, डाल कर इसको फिर पूरा बिल्कुल दाल जैसा हो जाएगा, जाएगा। इधर देखिए चोकला सब छोड़ा के फेंक दे रहे हैं, जितना चोकला है सब निचोड़ के साइड कर देंगे एकदम। आलू का है ये, वो चना का या फिर मूंग का होता है। अभी इसमें और भी छौका उका लगाएंगे तो और अभी टेस्टी बढ़ जाएगा ना जी। हाँ जी, देखिए अभी चोकला उसका छुड़ा रहे हैं, अलग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जितना आलू का चोकला था हम लोग साइड कर लिए, देखिए इधर फेंक दिए हैं।
और इधर आलू निचोड़ कर एकदम मही कर दिए हैं, एकदम गाढ़ा कर दिए हैं। अब इसको फिर अच्छी तरह से अब इसमें कुकर में डाल दे रही हैं। फिर से कुकर में डाल देते हैं इसको। कुकर में डाल के दोस्तों इसमें हल्दी वगैरह मिला के, नहीं तो हल्दी कच्चा कच्चा लगेगा, इसलिए फिर से इसको चूल्हे में चढ़ा देंगे ताकि हल्दी सीज जाए, कच्चा ना लगे खाने। हल्दी का स्वाद कच्चा नहीं लगे खाने में। देखिए कुकर को चढ़ा दिए हम लोग, अब इसमें हल्दी डाल रही है। अब आलू को इधर कुकर में चढ़ा लिया, अब इसमें हल्दी डाल देते हैं। हल्दी और नमक, हल्दी नमक और मिर्चा देंगे, हरा मिर्चा थोड़ा सा, हरे को टमाटर डालेंगे। अगर आप लोग आलू का दाल बना के खाना चाहते हैं दोस्तों, इस तरह बना लीजिएगा, एकदम मस्त लगता है खाने में, एकदम स्वादिष्ट लगता है। देखिए टमाटर भी दे दिए, हरी मिर्च भी काट के दे दिए, दो ही मिर्च दिए हैं ताकि परी परदाज को तीखा लगेगा, इसीलिए। अब इसको बंद कर देते हैं कुछ देर के लिए, हल्दी भिजने के लिए। देखिए लग रहा है ना लहार का दाल जैसा, इसको आलू वाला दाल है, देखिए लग रहा लहार का दाल है, प्योर एकदम लहार का दाल है ना जी। इसको घोट दीजिए, अब इसको टमाटर दिए थे ना, छौंका लगा के एकदम फ्रेश करके एकदम खाएंगे हम लोग मस्त से एकदम। देखिए लग रहा है एकदम असली वाला दाल, अरे ये दाल है नहीं आलू है, आलू का दाल है। आ परी इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं हम लोग, गर्म पानी गाढ़ा ज्यादा है। तो दोस्तों देखिए इधर आलू वाला दाल हम लोग कुकर में इधर रख लिए हैं, देखिए उधर छौंका लगाने के लिए, देखिए दबू चढ़ाए हुए हैं और मिर्चा लहसुन और जीरा से हम छौंका लगाएंगे, छौंका लगाएंगे, गरम हो रहा है तेल। मिर्चा है लाल वाला, उससे सौंधा लगता है खाने में, अच्छा लगता है, इसलिए हम लाल मिर्चा से छौंका लगा रहे हैं। और दोस्तों हम लोग सिट्टी का सब्जी भी आप लोग के बीच में दिखाने वाले थे बनाकर, लेकिन क्या करें उस अभी बड़ा बड़ा नहीं हुआ, अभी खिंचा ही है दोस्तों, सो तोड़ लिए जितना, देखिए इधर जितना तोड़े अब उसको फेंक नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग सब्जी बना ले रहे हैं आलू और सिट्टी डाल के। देखिए इधर हम लोग अगले ब्लॉग्स में आप लोग को दिखाएंगे, आप लोग को अगले ब्लॉग्स में हम लोग दिखाएंगे मुनगा का सिट्टी बनाकर। बस आप लोग ब्लॉग्स को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, अभी खिंचा खिंचा है इसलिए आप लोग को बीच में नहीं दिखा पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी सिझाएंगे तो गल जाएगा, ये छोटा है अभी बच्चा है, अभी सिर्फ आलू आलू का दाल बनाकर ही दिखा पाए हैं दोस्तों। तब आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए, जो जो पुराने दोस्त होंगे दोस्तों उन सभी फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, और हम लोग को फुल सपोर्ट भी कीजिएगा, होंगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मजा आता है और टेस्टी लगता है दोस्तों दाल खाने में, आलू वाला दाल, एक बार आप लोग जरूर से जरूर ट्राई करके। अब दाल का छौंका लगा देते हैं आलू वाला दाल को, बहुत खुशबूदार, छौंका खांसी लगने लगा, साइड हो जाती है दाल हमारा, आलू का दाल तैयार हो गया है, एकदम तैयार हो गया मस्त वाला आलू का दाल, एकदम लग रहा है कि ओरिजिनल लहर का दाल है। चलिए ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इस सब्जी बनाएंगे, सिट्टी का सब्जी आप लोग को अगले ब्लॉग्स में दिखाएंगे दोस्तों, और ब्लॉग्स को फुल वॉच कीजिएगा आप लोग। देखिए दाल बन गया, रेडी हो गया, तैयार हो गया ना? हाँ जी तैयार हो गया है, और हमारा आलू का दाल आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय।